थाना एक्सप्रेसवे में पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज शाम में लगभग 8 बजे के आसपास सेक्टर 168 चौकी के डबल सर्विस रोड पे चेकिंग चल रही थी और वहाँ पे एक बाइक पे दो व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए थे। उनको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया, ये भागे और उसके बाद हमारी टीम ने पीछा किया। इन लोगों ने टीम पर अटैक किया और उसमें जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें से एक व्यक्ति वहां घायल हो गया था और दूसरा वहां से फरार हो गया। हम लोगों ने घायल व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया और जो फरार था उसकी कॉम्बिंग शुरू हुई। जो घायल था उसे पूछताछ की गई, वो उसका अपना नाम विकास चौहान उर्फ काली बताया, जो हरदुआगंज अलीगढ़ का रहने वाला है और ये बीटा 2 थाना क्षेत्र नोएडा में एक घटना की थी, उसमें वांटेड चल रहा है और इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था और ये पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एक गैंग हम लोगों ने अभी रिसेंटली बस्ट किया था, ये उसी गैंग से जुड़ा हुआ है, उसी का मेंबर था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर ये स्विगी का डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। हम लोग स्विगी से भी पूछताछ करेंगे, उनसे भी पूछा जाएगा कि विदाउट वेरिफिकेशन कैसे इस तरह का क्रिमिनल एलिमेंट डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। बाकी इसके पोजीशन से वो जो बाइक थी वो बाइक बरामद हुई है, एक असलाह बरामद हुआ है और बाकी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के बारे में और भी पता किया जा रहा है। ये NCR के अन्य कई जिलों में इनका एरिया था और हर जगह ये इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बाकी इसमें छानबीन चल रही है, जो एविडेंसेस के हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू।